जीसी की एक तारीख है। कुछ रीसेंट पास्ट में जीसी ने प्रोफेसर्स को निकाला है कि उन्होंने आसमा जहांगीर के साथ स्टूडेंट से मीटिंग अरेंज की। उन्होंने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया कि वो स्टूडेंट मार्चेस में हिस्सा लें। उन्होंने जिंसी तौर पे हरासा जो खवातीन होती हैं, उन्हें कहा आप उस पर बात करें। मशाल खान के खिलाफ जो है, जो हुआ, जो जिस बर्बरियत से उनका कत्ल हुआ, उस पर बातचीत अरेंज की। जीसी ने उन प्रोफेसर्स को निकाल दिया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को अब याद आ गया कि स्टूडेंट्स को हमने सियासी तौर पे आगाही देनी है। इसमें आपको हिपोक्रेसी नजर नहीं आती? इसमें आपको दोहरे मयार नजर नहीं आते? हम बहुत एक एकेडेमिक खूबसूरत गुफ्तगू कर सकते हैं स्टूडेंट यूनियंस की। क्या इमरान खान साहब वहां स्टूडेंट यूनियंस की बहाली का मुतालबा करने गए थे? क्या इसलिए उनको बुलाया गया? क्या उसके बाद जीसी ने सब स्टूडेंट्स को आजादी दे दी कि आप आए सियासत करें, सियासत पे बात करें? क्या कल को अगर साद रिजवी जो हैं वो फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रहे होंगे, क्या उनको भी दावत दी जाएगी कि वो अपनी जो बात है वो जीसी के कैंपस में आके करें? और किसी ऑडिटोरियम में नहीं, जहां उनसे सवाल जवाब हो सके, जहां उनको एहतसाब उनका हो सके, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, बल्कि एक ग्राउंड में जहां आपने माहौल ही जलसे का क्रिएट कर दिया। और जो वीसी साहब हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कैसे किया इमरान खान साहब को कि वो उनके कायद हैं? इस सब में हमें नजर नहीं आता कि इमरान खान अभी भी कुछ मखसूस इंस्टीट्यूशंस के चाहे के लाडले हैं, उनके उनको वो प्रिविलेजेस हासिल हैं जो उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को हासिल नहीं थे। तो मेरा ख्याल है हम नाइव और बहुत मासूमाना हम हैं अगर हम ये मानते हैं। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, और इस कॉन्टेक्स्ट के बगैर इमरान खान साहब का जो वो जलसा था, मैं उसको जलसा ही कहूंगी, हम उसको नहीं असेस कर सकते। Watch every day, Nikki Jigal, only on Zigzag News, we make it special.